यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभियुद्धानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ पृथ्वीधों की रक्षा के लिए, दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। जब धर्म का नाश होगा तब तब मैं इस तरह स्वामी नारायण भगवान ने भी अधर्म का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। तो हमारे आज के पाठ में देखते हैं स्वामी नारायण की जीवन यात्रा। आज हम लिपुष्पक 4 की रीडिंग करते हैं, ठीक है। भगवान स्वामी नारायण। प्यारे बच्चों, आपने स्वामी नारायण भगवान के बचपन के बारे में और तपस्या के बारे में आगे पढ़ चुके हैं। वे अयोध्या के पास छपैया गांव में प्रकट हुए। उनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या के पास छपैया गांव में हुआ था। 11वें वर्ष की आयु में घर छोड़ा। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। 7 साल तक घने वन में तपस्या की, तीर्थाटन करते करते हुए गुजरात में आए। उस समय 18वीं सदी में गुजरात सौराष्ट्र में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में बड़ी अंधश्रद्धा चल रही थी। गुजरात में क्या चल रहा था? बड़ी धार्मिक अंधश्रद्धा थी। विलासों में फंसे राजाओं को प्रजा की चिंता ही न थी। उसी तरह बलवान और लुटेरे प्रजा को परेशान करते थे। धार्मिक क्षेत्र में अंधश्रद्धा और वहम की बोलबाला बढ़ रही थी। भारतीय संस्कृति को तोड़ने अनेक परिबल कटिबद्ध थे। धर्म और संस्कृति का कोई ठिकाना न था। सामाजिक कृतियों ने अपनी जड़ें मजबूत कर दी थी। इस तरह सामाजिक, नैतिक, धार्मिक पतन होने में देर न लगी। 18वीं सदी में गुजरात में जो राजा थे वो सब भोग विलास में पड़े थे। तो इसका मतलब है राजाओं जो प्रजा की चिंता ही नहीं करते थे। उसी तरह जो बलवान थे वो सब क्या करते थे? जो कमज़ोर लोग थे उनको लूट लेते थे। तो इस तरह सामाजिक जो परिबल थे वो सब मजबूत होने लग गई। तो उस समय श्री भागवत की यह आकाशवाणी किसी अवतारी पुरुष को बुला रही थी। बलदेव जी को कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए मैं फिर से अवतार लूंगा। श्री कृष्ण ने बलदेव जी को क्या कहा था? जब भी धर्म की रक्षा की जरूरत पड़ेगी उस समय मैं जरूर अवतार लूंगा। ये शब्द को सत्य करने पर ब्रह्म परमात्मा स्वामी नारायण भगवान ने अवतार लिया। भारतीय संस्कृति को सुंदर बनाने और धर्म के उद्धार के लिए, सामाजिक धार्मिक सुधारक के लिए सहजानंद स्वामी ने 500 परमहंसों की मंडली तैयार की। सहजानंद स्वामी जी ने क्या किया? 500 परमहंसों की मंडली तैयार की। और वो क्या करते थे? ये संतों ने ऊंच नीच के भेदभाव के बिना गांव-गांव पैदल चलकर घूमे और लोगों को अपने आचरण और उपदेश के जरिए धर्म, सदाचार और संयम के पाठ सिखाए। इन्होंने क्या किया? सब लोगों को गांव-गांव चले जाते थे, पैदल ही जाते थे, बिना थके वो गांव-गांव पैदल चलकर जाते थे। और लोगों को कौन सा पाठ सिखाया? उन्हें सदाचार संयम के पाठ सिखाए। लोगों में रही अंधश्रद्धा, वहम, व्यसन, शराब, मांस जैसी बुरी आदतों से प्रजा को छुड़ाया। और लोग जो मांसाहारी थे, अंधश्रद्धा में थे, किसी वहम में रहते थे, शराब पीते थे, वो सब की आदतें इन्होंने छुड़वाई। सहजानंद स्वामी ने
सर्वजीव हिताय सिद्धांत की व्यापक स्वरूप में जुम्बेश चलाई। सर्वजीव हिताय, सबके जीव के हित के लिए जो भी होगा वो जो भी सारे जीव के हित के लिए ही उन्होंने काम किया और उनका सिद्धांत ही यह था, सर्वजीव हिताय, ये इनका सिद्धांत था। इस सिद्धांत अनुसार उन्होंने यज्ञ में धर्म के नाम पर बकरी मृग आदि की हिंसा के सामने जोरदार आंदोलन चलाया। अब धर्म के नाम पर हम बलि चढ़ाते हैं ना, पहले बोलते थे कि ये बलि दो तो ऐसा अच्छा काम होगा, ये करो तो ये हो जाएगा, तो ये जो बलि प्रथा थी वो भी उन्होंने बंद करवा दी। राजकोट में सर मालकम को गो हत्या बंद करने का आदेश दिया। राजकोट में क्या चल रहा था? गो हत्या, जिसको भी इन्होंने बंद करवा दिया। सती प्रथा, बाल विवाह और दूध पीती के कुरिवाज के जरिए स्त्रियां पर होने वाले अत्याचार और अन्याय के सामने उन्होंने सबसे पहले ऐतिहासिक